मंडल ने इंदौर रेलवे स्टेशन की उन पार्किंग को अब ठेके पर दिया है जो महीनों से खाली पड़ी हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बनी वीआईपी पार्किंग करीब 9 महीने बाद फिर से सशुल्क हो गई है। अब यहां पर कार चालकों को 30 रुपए का शुल्क देना पड़ रहा है। वहीं प्लेटफॉर्म 5 से 6 की पार्किंग के लिए रेलवे ने नया प्रयोग किया है। यहां ऑटो, बाइक और कार तीनों श्रेणी के वाहनों के लिए एक ही ठेका जारी किया था। कंपनी 20 दिसंबर तक अपना काम शुरू कर देगी। इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 6 पर अब यात्रियों को अपने वाहनों खड़े करने के लिए किराया चुकाना होगा। हालांकि यहां पर पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी रहेगी, जिसके तहत तय मिनट सवारी छोड़ने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। एक रेलवे अफसर ने बताया कि महीनों से बंद पार्किंग शुरू होने से यहां पर असामाजिक तत्वों की चहलकदमी में कमी आएगी और वाहन चोरी होने की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। ये 5 नंबर 6 नंबर में पार्किंग का और देखिए, जो भी रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे जो पार्किंग होती है, चाहे वो टू व्हीलर की हो या टू व्हीलर की हो, उसका एक रहता है कितना उसका पार्किंग शुल्क लेना है, तो वो नियमानुसार होता है रेल मंत्रालय के निर्देशन का। तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से ही 4 और 5 6 नंबर के लिए पार्किंग के लिए किया गया था, लेकिन पार्टी भी आई थी लेकिन लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे तो वो चले गए थे। दोबारा से पार्किंग को अलॉट किया गया है, तो जो भी है उसका जो नियम है रेलवे द्वारा डिसाइड किया हुआ वही उसका वसूल करेगा, और उसके साथ में वो अपने रेट को डिस्प्ले करके रखेगा कि इतना उसका रेट है और इतने घंटे के लिए है, तो वो नियमानुसार रहेगा। देखिए, जो भी रेट रहेगा वहाँ पे डिस्प्ले होगा, आप तो वहाँ देख सकते हैं, उसके ज्यादा अगर लेता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन कर सकता है और रेलवे एक्शन लेगा।